मियां आप हम पर इल्जाम लगाते जी। मियां नहीं आई बाहर, मुझे बताए ना भाई। मियां वाला जो वाक्या मैंने अरवाह सरासा से बयान किया है कि कासम ननौतवी साहब को रशीद अहमद गोई पब्लिकली फिजिकली अवाम के सामने साथ बिस्तर पे लिटाते हैं, फिर करवट करते हैं उनकी तरफ, फिर उन आशिक के सादिक की तरह, और कौन नकल कर रहा है, अश्ली थानवी, यानी किसी ने कोई इख्तलाफ भी नहीं किताब लिखी, आशिक के सादिक की तरह उनके सीने पे हाथ रखते हैं। वो कहते हैं क्या कर रहे हो मियां, लोग क्या कहेंगे। वो कहते हैं कहने दो जो लोग कह रहे हैं, और ये तो इसकी पहली किस्त थी, आज दूसरी किस्त भी ले लें। दबे अल्फाज के अंदर तज़किरतुर रशीद एक किताब है जिसमें रशीद अहमद गंगोई साहब की बायोग्राफी है, उसमें इसकी अगली किस्त भी आई है, बल्कि आखिरी किस्त है ये, इन्हीं दो बुजुर्गों के बारे में बता दूं या आप कैमरे में डिस्प्ले करवा दीजिएगा। अब बस बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि ख्वाब तीन किस्म के होते हैं, एक अल्लाह की तरफ से, एक शैतान की तरफ से, और एक नफ्स की तरफ से। यानी नफ्स जो बुरे बुरे ख्यालात जहन में लेके आता है ना, वो बाज़ुकात ख्वाब की शक्ल में आपको नजर आते हैं। तो तज़किरतुर तो रशीद में लिखा हुआ है कि यही कासिम नानोतवी साहब के बारे में, वही रशीद अहमद गंगोई जिन्होंने लिटाया था अपने साथ और आशिक सादिक की तरह हाथ फेरा था, वो कहते हैं नहीं मैंने ख्वाब में देखा कि कासिम मियां जो है वो दुल्हन की शक्ल में आए हैं, और फिर वो कहते हैं हमारी शादी भी हुई आपस में, और फिर रूहानी औलाद भी हुई, मैं पिटोल अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसकी औलाद भी हुई। तो वो पूरा पूरा दिन जो बुजुर्गान दीन सोचते थे वही ख्वाब में उन्हें नजर आया। और नीचे ये तस्करा रशीद में कह रहे हैं इससे ये पता चला कि रशीद में गंगोई के बाद उनके शागिर्द जो हैं उनकी कफालत कासिम नौतवी ने चुके करनी थी, इसलिए उनको ये ख्वाब दिखाया गया। अल्लाह ना करे जी किसी को ये ख्वाब दिखाया जाए, अल्लाह ना करे जी। आप मुझे बताएं, मैं हंस रहा हूँ, आप जिस तरह बुजुर्गों का मजाक उड़ा रहे हैं हंस हंस के, मैंने उड़ाया कभी इस तरह? मैं तो बड़े सीरियस मूड में आपको एक प्रॉब्लम हाईलाइट कर रहा हूँ। नेक्स्ट। वैसे अली भाई अगर आप ये ना भी बयान करते ना, हमारे भाई बहुत थे ये बयान करने के लिए हमारे पास। नहीं, वो मेरा बयान करना और किसी और का बयान करना बड़ा फर्क है ना मेरे भाई, वो वायरल हो जाता है ना। सही। अभी इसका भी क्लिप कटेगा इंशाल्लाह। जी काटे, जरूर काटे, मैंने बड़े जिम्मेदार, लेकिन खाली क्लिप ना काटिएगा, साथ रेफरेंस भी लगाइएगा जी। अरवाए सलासा का भी, तज़किरतुर रशीद का भी, और ये वीडियो की जब एडिटिंग आप करें ना, तो इसमें जो ये स्ट्रीम यार्ड की बतख नजर आ रही है ना, इसको जब बाद में क्लिप बनाने हो ना, तो इसके ऊपर वो इसको फेंट कर दीजिएगा, इसलिए मैंने आपको कहा था ना इसको लेफ्ट पे रखिएगा, लेकिन आपने वो मेरी बात के ऊपर तवज्जो नहीं दी। अब तो खैर जो हो गया वो हो गया, त्रै पढ़े लिखे बंदे बैठे होते, एक गल नहीं तुसी पूरी कर सके। बार मुझे तो अच्छी लग रही है, मुझे देख के मजा आ रहा है, क्योंकि जब मैं मियां करता हूं ना तो इस बतख की तरफ मेरी निगाह जाती है, वो भी हंस रही होती है। सही है। अली भाई ये कमेंट में ना मियां मियां की लाइन लग गई है, यहाँ पे हर कोई मियां मियां ही कर रहे हैं। क्या करें, अब हम ये देखें कितने हमारे स्टूडेंट मेरे हालांकि काफी समझदार हैं, मैंने लिखा अब सिर्फ मियां लिख दिया करें, शुक्र करें पूरा वाकया नहीं लिखते हैं, और जाके आपकी मस्जिदों में ये ब्रोशर नहीं तकसीम करते बुजुर्गान दीन की करामात के नाम से। ये करामत है, ये अशरफ थानवी ने रवाय सलासा में करामत लिखी है उनकी। मुझे तो ये भी पूछ के बताया इसमें करामत कौन सी हुई है। करामत हुई है तज़किरतुर तो रशीद में। ये करामत का आगाज था रवाय सलासा में। हाँ जी नेक्स्ट।